वीडियो कंप्यूटर एंड लैपटॉप से रिलेटेड है। तो आप लोग में से बहुत लोग तो कंप्यूटर या लैपटॉप जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो आज आपके साथ मैं 5 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। तो हेलो गाइज, माय नेम इज शाही एंड यू आर वॉचिंग टेकी शाही। पहले टिप ये है गाइस कि आप अगर फोल्डर्स के बिटवीन स्विच करना चाहते हैं तो आपको ये बड़ी दिक्कत आती है कि आप हरदम माउस पकड़कर या माउस पैड पर उंगली रखकर पहले विंडोज़ को बंद करें, फिर दूसरे फोल्डर को बंद करें, फिर आप जो फोल्डर चाहते हैं उसे ओपन करें। लेकिन गाइस एक शॉर्टकट ये है कि अगर आप अपने फोल्डर्स के दरमियान स्विच करना चाहते हैं तो आप Alt प्लस टैब दबाएं। Alt प्लस टैब दबाने की वजह से आपके फोल्डर आपको एक लाइन से देखने को मिलेंगे और आप जिस टैब पर चाहते हैं उस पर जाकर आप उस टैब को, उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। दूसरी टिप यह है गाइस कि आपने कई मरतबा इसका सामना किया होगा, वो ये है गाइस कि आप जब भी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक टैब खोल कर रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टैब आपसे क्लोज हो जाता है और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से मिस हो जाती है। लेकिन गाइस इस ट्रिक को अप्लाई करके आप अपने क्लोज टैब को भी वापस रीओपन कर सकते हैं और आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाना है, उससे आपका जो क्लोज्ड रिसेंट टैब है वो आपको दोबारा ओपन करके मिल जाएगा और आप दोबारा अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपने नुकसान को वापस फायदे में बदल सकते हैं। अगली जो टिप है गाइस वो आपके लिए बहुत फायदेमंद और यूजफुल होने वाली है। वो टिप ये है गाइस कि आप जब भी बहुत सारे विंडोज ओपन करके रखते हैं या बहुत सारे फंक्शन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करके रखते हैं और अचानक कोई आपके सिस्टम के पास आता है और आप ये नहीं चाहते कि वो आपके सिस्टम को देखे या आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपकी एक्टिविटीज को देखे, तो इसके लिए जो शॉर्टकट है गाइस वो है विंडोज प्लस डी। जी गाइस, अगर आप विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे तो उससे आपका डेस्कटॉप डायरेक्टली शो होगा और उससे आपकी जो जो एक्टिविटीज या विंडोज आपने ओपन करके रखी है वो पूरी मिनिमाइज हो जाएगी। विंडोज प्लस डी दबाकर आप अपने डेस्कटॉप पर डायरेक्टली जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस ये टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगली टिप ये है गाइस कि आप शॉर्टकट दबाकर किस तरह अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लॉग ऑफ करें। जी हाँ गाइस, अगर आप अपना कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं या आपके अपना कुछ सीक्रेट काम कर रहे हैं और आपको कुछ देर के लिए उठकर जाना पड़े और आप ये चाहते भी नहीं कि आपके काम को या आपकी एक्टिविटीज को कोई दूसरा भी देखे, तो आपको माउस लेकर ऑप्शन पर जाकर लॉग ऑफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, विंडोज प्लस एल दबा देना। विंडो प्लस एल दबाने की वजह से आपका लॉक स्क्रीन आ जाएगी और आपका कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा, तो आप बिना झिझक के किसी दूसरे काम के लिए जा सकते हैं और थोड़ी देर बाद आकर अपना पासवर्ड इंटर करके दोबारा अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी टिप गाइस बहुत ही यूजफुल होने वाली है और इससे यकीन मानिए आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। वो ये है गाइस कि आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक वेबसाइट पर पहुंचे हैं, एक वेबसाइट का पेज आपने ओपन किया, लेकिन आपको अगर उस वेबसाइट का URL चाहिए तो आप माउस लेकर या माउस पैड पर फिंगर रखकर वहां पर जाकर उसको पूरा सेलेक्ट कर आप ऑप्शन में जाकर कॉपी करते हैं। इससे गाइस आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। वो शॉर्टकट क्या है कि अगर आप किसी वेब पेज के या वेबसाइट का URL को आप कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस डी दबाएं। कंट्रोल डी दबाने से आप उस पेज के URL को सेव कर सकते हैं और अगर चाहें तो दूसरी जगह उसको पेस्ट करके उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये 5 ट्रिक्स जरूर पसंद आई होगी और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि इन सब 5 ट्रिक में से आप कौन से ट्रिक को अब तक इस्तेमाल करते आए हैं जरूर कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वरना इस वीडियो को डिसलाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।